शहर में, कारण जानना चाहती थी ना कि तुम लोगों को हमारे बारे में क्यों नहीं पता है, तो ये बात तो तुम्हें अपने बाप से पूछनी चाहिए थी। वो तो अब रहा नहीं, और तुम्हारी माँ ये किस मुंह से बताएगी? बाबूजी, जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहिए। नहीं नहीं बाबूजी, मत कहना हमें। जिस दिन हमारी इज्जत रौंद कर चली गई थी, बाबूजी कहने का अधिकार उसी दिन खो दिया था तूने। बस भी कीजिए, इस बात को और कितने दिन दिल से लगाए रखेंगे। सालों बाद लड़की घर आई है, चौबे परिवार पूरा हुआ है। हमारी बेटी तो मर गई पुष्पा। उसी दिन मर गई थी वो, जब स्नेहा चौबे से मिसेस ऋषि माथुर बनी। हमारे घर आज हमारी बेटी नहीं, मिसेस ऋषि माथुर आई है। इसे कह दो कि हमें मरी हुई बेटी की याद में जीने दे। मिसेस माथुर नहीं जानती कैसी थी हमारी स्नेहा, वो तो बिना बताए अपने बाबूजी की दिल की बात समझ जाती थी। संस्कार क्या होते हैं उसे पता था। अपने बाबूजी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था इस संसार में। पर तेरे बाप ने छीन लिया हमसे हमारी औलाद, छीन ली हमसे हमारी बेटी। उस तेरे नहीं जीते हमारी बेटी के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। बस अब एक और वर्ड नहीं बोलेंगे आप मेरे डैड के लिए। अगर इतना ही प्यार था तो एक बार मिलने क्यों नहीं आए? पता था ना आपको कि उनकी फैमिली कितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। क्या इतना ही प्यार करते थे आप? तू बताएगी हमें कि हम कितना चाहते थे अपनी बेटी को? कृपा जी मालिक, वो संदूक लेकर आओ। जी, ये बित्ती भर की लड़की हमसे सवाल करेगी। हम सच बोल रहे हैं, और सच चाहे जितना कड़वा हो, आज तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सुनना ही पड़ेगा। चौखट लांग कर आई हो ना, तो सुनो। जाने कब से दबा कर रखा था इन जख्मों को, टांके उधड़ ही गए आज। तू जानना चाहती थी ना कि हम अपनी बेटी को कितना प्यार करते थे। ये पहली गुड़िया जो हम कलकत्ता से लाए थे अपनी बेटी के लिए, उसको अपनी गोद में बिठाकर कान छिदवाए थे। तब सुनार ने पहनाई थी ये बालियां उसको, हमारी 2 साल की स्नेहा को। ये चूड़ियां बड़ी हो गई थी, पहनने नहीं दिया था उसको कि हम अपनी बेवकूफी पर हंस सके। ये उसके पहली साइकिल का ट्रेनिंग व्हील,
गिरी ये गिरी वो थी सीखते हुए आंसू हमारी आंखों से निकले थे। ये हमारी गुड़िया की पहली किताब, ये ज्योमेट्री बॉक्स। कंपास से उसने अपना नाम कुरेद कर लिखा था इस पर, स्नेहा चौबे। ये थी हमारी गुड़िया, ये थी हमारी स्नेहा। जान छिड़कते थे हम उस पर, जान छिड़कते थे। गुरूर था हमें उस पर, अपने बेटे से ही ज्यादा चाहते थे उसको। फिर तेरे बाप ने वो दो कौड़ी का इंसान उसने आकर बर्बाद कर दिया, हमें मिटा दिया, हमारा संसार उजाड़ दिया, हमारा परिवार ले गया हमसे छीन कर हमारी हमारी बेटी को। पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा, भूल जाइए ये सब। कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे पुष्पा। ऋषि माथुर ने जो खंजर हमारे सीने में घुसाया था, आज भी उसका दर्द हर सांस के साथ जिंदा है। जिसने चौबे परिवार का सुख चैन छीन लिया, जिसने हमें बर्बाद कर दिया, कैसे भूल जाऊं उसे, कैसे। कुछ अंदाजा भी है इसे, इसके भागने की वजह से दिनेश का रिश्ता टूट गया था। पूरे बनारस में कोई भी परिवार अपनी लड़की हमारे घर में देने को तैयार नहीं था। अब तुम ही बताओ पिछले, ये सब भुलाऊं तो कैसे भुलाऊं, कैसे। मैं तो उसे उस रोज से कोस रहा हूं और मरते दम तक कोसता रहूंगा। बाबूजी, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, मुझे कोसिए, पर मेरी बेटियों को, ऋषि को कुछ मत कहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कहिए। हमारी बेटी मर चुकी है, और आपको डांटने का अधिकार हमारे पास नहीं। रह गई आपकी बेटियां, तो उन्हें अपने बाप का सच मालूम होना चाहिए। वो नीच इंसान, उसके बारे में बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। झूठा नाटक किया था प्यार का उसे। नाटक नहीं, प्यार करते थे वो मॉम से। प्यार करते थे मॉम से। प्यार वो सिर्फ एक चीज से करता था, पैसे से। वो अमीर बनना चाहता था किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। उसकी अपनी औकात तो थी नहीं, इसलिए उसने हमारी बेटी को बसाया था। नहीं बाबूजी, ये सच नहीं है, ये झूठ है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, ये झूठ है बाबूजी। क्यों चुप रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। हमारे दिल को भी इसी तरह से तकलीफ हुई थी जब हमारी बेटी उस कमीने के साथ भाग गई थी। तेरे शहर में, तेरे शहर में।